निम्न रेखायुग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर r बराबर 4i माइनस j प्लस लैम्ब्डा इनटू i प्लस 2j माइनस 2k तथा वेक्टर r इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k माइनस म्यू इनटू 2i प्लस 4j माइनस 4k। ये जो i j k है ये i कैप j कैप और k कैप है जो कि क्रमशः x y और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें, तो बेसिकली हमें पहले रेखा एक और रेखा दो के समांतर सदिश का समीकरण ज्ञात करना होगा और फिर हम ये मान करके चलेंगे कि दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण अभीष्ट कोण है वह थीटा है और हम सदिश गुणनफल का यूज करेंगे कि बी वन डॉट बी टू इक्वल टू मॉड बी वन मॉड बी टू इंटू कॉस थीटा। अर्थात दो सदिश के बीच का कोण यदि थीटा है तो उनका जो गुणनफल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो दी हुई रेखाओं के रेखाओं का समीकरण ये है वेक्टर आर इक्वल टू फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। सुविधा के लिए हम इसे वेक्टर आर वन लेते हैं और दूसरे वेक्टर को हम वेक्टर आर टू लेते हैं। ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप माइनस म्यू इंटू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप। मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है और यह समीकरण दो है। तब रेखा एक के समांतर सदिश है, मान लेते हैं कि यह बी वन है तो वो ये वाला सदिश है, दिस इज आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। इसी प्रकार रेखा दो के समांतर सदिश है ये वाला सदिश, लेट बी टू, मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी वन है और ये वेक्टर बी टू है, टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप। यदि दोनों सदिशों के बीच कोण थीटा हो तो हम लिखेंगे वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू इक्वल टू मॉड बी वन मॉड बी टू कॉस थीटा। बी वन बी टू तो ये है आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप और बी टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप इज इक्वल टू मॉड बी वन बी टू। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर, इसका कोफिशियंट वन है तो वन का स्क्वायर, इसका कोफिशियंट टू है तो ये टू का स्क्वायर, इसका कोफिशियंट माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वायर, ये मॉड बी वन होगा। सिमिलरली मॉड बी टू स्क्वायर रूट ओवर टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखिए आई इंटू आई जब मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में तब वन मिलता है और आई का मल्टीप्लाई जे से और आई का मल्टीप्लाई के से करेंगे आपको जीरो मिलेगा। तो इसी तरीके से ये इसका कोफिशियंट और इसका कोफिशियंट आपको मिल जाएगा टू, इसका कोफिशियंट और इसका कोफिशियंट मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एट और माइनस टू और माइनस फोर के मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस एट इक्वल टू। देखिए ये एक हो जाएगा और ये दो का वर्ग चार, दो का वर्ग चार, चार और चार आठ और आठ और एक नौ, नौ का वर्गमूल करेंगे मिल जाएगा तीन। देखिए ये हो गया दो का वर्ग चार, ये हो गया सोलह, सोलह सोलह और सोलह जोड़ेंगे मिल जाएगा बत्तीस, बत्तीस और चार छत्तीस, छत्तीस का वर्गमूल छ इंटू छ टू कॉस थीटा। ये आठ, आठ और दस, दस और आठ अट्ठारह और छह तिया अट्ठारह, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू
वन, तो इसका मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री है। अतः अभीष्ट कोण शून्य डिग्री है, अर्थात दोनों की दिशाएं एक ही है। अगला प्रश्न दिया गया कि सरल रेखा युग्म वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस टी इंटू फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फाइव के कैप तथा वेक्टर आर इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस एस इंटू सेवन आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो पूर्व प्रश्न में हमने जो प्रक्रिया की थी वो सेम प्रक्रिया यहां पर करनी है। माना दी हुई सरल रेखाओं के कोण, दी हुई सरल रेखाओं के समीकरण, तो पहले सुविधा के लिए हम वेक्टर आर वन मान करके चलते हैं। ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस टी इंटू फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फाइव के कैप, माना समीकरण एक है। इसी प्रकार वेक्टर आर टू इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस एस इंटू सेवन आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप, माना कि ये समीकरण दो है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस टी बी इस फॉर्म में होता है, तो हम लिखेंगे कि रेखा एक के समांतर सदिश, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर बी वन, अपन ये मान करके चलते हैं, ये फाइव ए कैप प्लस टू जे कैप माइनस फाइव के कैप। इसी प्रकार रेखा दो के समांतर सदिश वेक्टर बी टू इक्वल टू सेवन आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। यदि दोनों के बीच कोण, सदिश के बीच कोण थीटा है, तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू मॉड b1 मॉड b2 कॉस थीटा। तो b1 b2 दिस इज 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, फिर इनटू 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू मॉड b1, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस फाइव का स्क्वायर अगेन 25, सेवन का स्क्वायर 49, माइनस टू का स्क्वायर 4 और प्लस 1, देन दिस इज कॉस थीटा। इनटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 35, 2 और माइनस 2 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5। देखिए ये 25 और 25 50 और 4 54 हो गया, यहाँ पर 49 एक 50 4 54 हो गया, तो इस प्रकार दोनों को गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, मिल जाएगा 54 और ये कॉस थीटा। 35 और 5 जोड़ेंगे मिल जाएगा 40, 40 में 4 घटाएंगे मिल जाएगा 36, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 36 बराबर 54 कॉस थीटा, तो मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर 36 बटे 54, 18 से दोनों भाग जाएगा, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर यदि हमें कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, और यही वह अभीष्ट कोण है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। एक रेखा के कार्तीय समीकरण 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2 है। रेखा के दिक अनुपात ज्ञात कीजिए तथा बिंदु 2 माइनस 1 माइनस 1 से गुजरने वाली उस रेखा का सदिश समीकरण लिखिए जो दी हुई रेखा के समांतर है। तो रेखा का जो कार्तीय समीकरण दिया गया है उसे हम उसके सममित रूप में परिवर्तित कर लेंगे, जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह रेखा किस बिंदु से होकर के जाती है और उसके दिक अनुपात क्या है।
दी हुई रेखा के कार्तीय समीकरण। ये है 6x-2=3y+1=2z-2। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि x का जो कोफिशियंट है उसको हम कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6x-2/6। यहां से हम 3 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा y+1/3। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा z-1। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 और ये 6 को हम लिख सकते हैं 1/6। फिर इसी तरीके से y+1/3/1/3 और ये हो जाएगा z-1/1/2। तो यह रेखा का सममित समीकरण है जो कि 1/3, -1/3 और 1 से होकर के जाती है तथा दिक अनुपात 1/6। यहाँ पर 1/6, 1/3, 1/2 है, तो इसका डिनोमिनेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये कि हमें मिल रहा है x-1/3/1=y+1/3/2=z-1/3। तो स्पष्ट है कि रेखा बिंदु 1/3, -1/3 एक से होकर जाती है तथा जिसके दिक अनुपात 1, 2, 3 है। अतः दी हुई रेखा के समांतर सदिश यदि हमें लिखने कहा जाए तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो सदिश वेक्टर m है। जो वेक्टर m है वो उसके दिक अनुपात से बनता है, तो ये i+2j+3k। जो अभीष्ट रेखा है 2-1/1 से गुजरती है, प्रश्न में ऐसा दिया गया। अब बिंदु 2-1/1 का स्थिति सदिश वेक्टर a लेकर के चलें तो ये मिल जाएगा 2i-j+k। अब समीकरण लिखते हैं, वेक्टर r=a+tb इस फॉर्म पर होता है। तो माना वेक्टर r किसी बिंदु का स्थिति सदिश है जो अभीष्ट रेखा पर है, अतः रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर r इक्वल टू जिस बिंदु से वो गुजर रहा है ये होता है वेक्टर a प्लस t इंटू वेक्टर m जिसके समांतर वो यहां पर आता है, जिस बिंदु से गुजरता है वो यहां पर आता है। तो ये आपको मिल जाएगा वेक्टर 2i-j+k+t(m) m दैट इज i+2j+3k। और यही वह उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। कि रेखा वेक्टर r इक्वल टू 2i+j+3k+t(i+2j+3k) तथा समतल वेक्टर r.2i(j+k)=6 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेखा का समीकरण लिखेंगे, फिर जिस सदिश के समांतर है वह रेखा वह ज्ञात करेंगे और समतल जो है उसके लंबवत सदिश का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद रेखा और समतल के बीच का कोण हम थीटा लेकर के चलेंगे और समतल पर लंब रेखा
और हमने जो रेखा ज्ञात किया है और हमने जो रेखा दिया हुआ है हमें उसके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b, इस फॉर्म पर हम आगे सॉल्व करेंगे। दी हुई रेखा का समीकरण यह है वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस t इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। स्पष्टतः स्पष्ट है कि रेखा सदिश i प्लस 2j प्लस k कैप, ये कैप में है, के समांतर है। तो इसलिए हम इसे वेक्टर b मान करके चलते हैं। ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फिर दिए हुए समतल वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप पर लंब सदिश का समीकरण, पर लंब सदिश है, यह है वेक्टर n इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p, इस फॉर्म पर समतल का समीकरण दिया हुआ है। इक्वल टू 6 है समतल का समीकरण। तो यहां से हमें वेक्टर n मिल गया। माना दी हुई रेखा और समतल के बीच कोण थीटा है, तब रेखा और समतल पर लंब रेखा के बीच का कोण नाइन्टी माइनस थीटा हुआ। तो इसलिए हम लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी। सो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। वेक्टर एन दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी ये है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होल अपॉन मॉड एन मॉड बी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर अगेन 1। तो मिल जाएगा रूट 6। सिमिलरली यहां पर भी आपको मिल जाएगा रूट 6। साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो आई और आई का मल्टीप्लाई 1 होगा और आई के साथ किसी दूसरे का मल्टीप्लाई 0 होगा। तो सिमिलरली सिर्फ हम आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो 2 इनटू 1 दैट इज 2, फिर माइनस 1 इनटू 2 दिस इज माइनस 2, फिर प्लस 1 इनटू प्लस 1 दिस इज 1 अपॉन रूट 6। रूट 6 मिल जाएगा 6। तो यहां से आपको मिल रहा है 1/6। तो 1/6 को स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो हम सीधा थीटा इक्वल टू लिखेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/6। यही वह अभिष्ट कोण है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। है कि सिद्ध कीजिए कि रेखा वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t इनटू i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप समतल वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5 के समांतर है, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले भाग में हमें यह सिद्ध करना है कि रेखा और समतल दोनों समांतर हैं, उसके बाद हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो पहले हम दी हुई रेखा का समीकरण लिखते हैं, ये है वेक्टर आर इक्वल टू टू आई कैप माइनस टू जे के कैप प्लस थ्री के कैप प्लस टी इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। तो रेखा बिंदु टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप से जाती है तथा आई कैप माइनस जे के कैप प्लस फोर के कैप सदिश के समांतर है। अब दिए हुए समतल पर लंब सदिश वेक्टर n, ये दिया हुआ है i कैप प्लस फाइव j कैप प्लस k कैप। अब यदि हम वेक्टर b डॉट वेक्टर n कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस फोर k कैप इंटू i कैप प्लस फाइव j कैप प्लस k कैप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 दिस इज 1 माइनस 1 into 5 माइनस 5 प्लस 4 into 1 दिस इज 4, सो आपको मिल रहा है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर b और वेक्टर n परस्पर लंबवत हैं। सदिश b और n परस्पर लंबवत हैं, अर्थात दी हुई रेखा दिए हुए समतल के समांतर है। यह पहला भाग सिद्ध हुआ। अब हमें अभीष्ट दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे अभीष्ट दूरी बराबर बिंदु 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप से समतल, अब जो समतल है उसका समीकरण लिखेंगे, वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5 पर डाले गए लंब की लंबाई। फाइव माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये वाला बिंदु, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले टर्म के साथ, तो ये है आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप अपॉन मॉड ऑफ आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप। फाइव माइनस डॉट प्रोडक्ट है तो i और i कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 दिस इज 2 माइनस 2 into 5 माइनस 10 प्लस 3 into 1 दिस इज 3 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए ये 3 और 2 5 5 ऋण 10 मिल जाएगा ऋण 5 फिर ऋण और ऋण धन 5 और 5 10 बटे वर्गमूल 27 27 को 3 गुना 9 लिख सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 10 बटे वर्गमूल 3। यदि हम वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 का गुणा करना चाहें तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 हो जाएगा 3 और 3 और 3 9 तो आपको मिल जाएगा 10 बटे 9 वर्गमूल 3 इकाई। तो यह वह अभीष्ट दूरी है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। टू फाइंड द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, माना कि दो रेखाएं
जो है वो वेक्टर आर इक्वल टू ए वन प्लस टी बी वन, वेक्टर बी वन समीकरण एक, तथा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस एस इंटू वेक्टर बी टू है समीकरण दो। रेखा एक वेक्टर ए वन से गुजरती है तथा वेक्टर बी वन के समांतर है, रेखा दो वेक्टर ए टू से गुजरती है तथा वेक्टर बी टू के समांतर है। यदि रेखाएं एक व दो प्रतिच्छेदित करती हैं तो वे समतलीय होंगे, तब सदिश बी वन बी टू और ए टू माइनस ए वन भी समतलीय होंगे, इसलिए उनका अदिश त्रिक गुणनफल या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, अर्थात इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं बी वन बी टू ए टू माइनस ए वन, ये वेक्टर के फॉर्म में इक्वल टू जीरो, या फिर हम लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए टू माइनस ए वन वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू इज इक्वल टू जीरो, और यही अभीष्ट प्रतिबंध है। कार्तीय निर्देशांकों में दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। यदि वेक्टर ए वन इक्वल टू अल्फा वन आई कैप प्लस बीटा वन जे कैप प्लस गामा वन के कैप तथा ए टू इज इक्वल टू अल्फा टू आई कैप बीटा टू जे कैप प्लस गामा टू के कैप है, तो यहां से हम निकालेंगे ए वन वेक्टर ए वन माइनस वेक्टर ए टू इज इक्वल टू, हम आई आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को कलेक्ट करेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू आई कैप प्लस बीटा वन माइनस बीटा टू इंटू जे कैप प्लस गामा वन माइनस गामा टू इंटू के कैप समीकरण एक, और बी वन इक्वल टू एल वन आई कैप प्लस एम वन जे कैप प्लस एन वन के कैप समीकरण दो, और बी टू इक्वल टू एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप समीकरण तीन। अब आई कैप जे कैप और के कैप का विलोपन करेंगे तो इसे सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अदिश त्रिक गुणनफल ए बी सी वेक्टर हो तो उसका अदिश त्रिक गुणनफल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और इससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर हम उसको सारणिक के रूप में, जो हमने तीन समीकरण लिखे हैं उसे सारणिक के रूप में लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो प्रथम रो के अवयव होंगे अल्फा वन माइनस अल्फा टू बीटा वन माइनस बीटा टू और गामा वन माइनस गामा टू। दूसरे रो के अवयव हैं L1, M1, N1 और तीसरे रो के अवयव हैं L2, M2, N2। तो ये तीन बाई तीन का एक सारणिक या डिटर्मिनेंट है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यही रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो ये तीन रेखाएं वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा इनटू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप और वेक्टर r इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस म्यू इनटू 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप प्रतिच्छेदित करती है अर्थात समतली है, और प्रतिच्छेद बिंदु के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो पहली बात यह कि रेखा का जो समीकरण दिया गया है उससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह किन बिंदुओं से होकर के जाता है और किन बिंदुओं के समांतर है। दी हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। दी हुई रेखाएं, रेखाओं का समीकरण दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो पहला है वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा इनटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, माना यह समीकरण एक है। और दूसरा वेक्टर r दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस म्यू इनटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, माना कि यह समीकरण दो है। तो यहाँ आप जैसे कि आप जानते हैं वेक्टर r इक्वल टू ए प्लस टी बी, इस फॉर्म पर हम लिखते हैं वेक्टर r इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर b। तो ये अगर हम r1 मान लेंगे तो हमें ये a1 मिलेगा, ये b1 मिलेगा, इसको अगर r2 मान लेंगे तो ये मिलेगा a2 और ये मिलेगा b2। तो यहाँ हम लिख रहे हैं वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b1 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली वेक्टर a2 इज इक्वल टू
टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और वेक्टर बी टू इज इक्वल टू दिस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन कैलकुलेट करते हैं, तो टू माइनस वन वन आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू जे कैप दिस इज जे कैप और प्लस के कैप, ये हमें मिल गया। तो दी हुई रेखाएं समतलीय होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। यदि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू इक्वल टू जीरो, हम सॉल्व करते हैं इसको, हम डिटरमिनेंट के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन और ये बी वन और ये बी टू, तो इसका डिटरमिनेंट बनेगा इसका कोफिशियंट आई जे और के का कोफिशियंट वन वन वन। देखिए आई जे के है तो ये वन वन वन, फिर बी वन, बी वन का कोफिशियंट ये टू थ्री फोर तो जाएगा टू थ्री फोर, फिर बी टू, बी टू आपको मिल जाएगा थ्री फोर फाइव, सो ये थ्री फोर फाइव। देखिए इसमें हम एक काम करते हैं, ये आपका रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, तो हम ये कर सकते हैं कि रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो टू, तो ये वन 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 पहला एलिमेंट तो है, दूसरा एलिमेंट है टू थ्री फोर, थ्री में टू सब्सट्रेट करेंगे वन, फोर में थ्री वन और फाइव में फोर वन। तो ये देखिए कि रो वन और रो थ्री दोनों आइडेंटिकल है सर्वसम है, तो इसका मतलब ये कि इस प्रकार का सारणी का हम मान ज्ञात करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, तो इक्वल टू शून्य, चूंकि आर वन व आर टू सर्वसम है या आइडेंटिकल आइडेंटिकल है। तो सारणिक के गुणधर्म से ये होता है कि जब दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो या सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है या समतलीय है। अब दूसरा ये कि हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद बिंदु पर समीकरण एक व दो से प्राप्त आर का जो मान होगा वह समान होगा। प्रतिच्छेद बिंदु पर प्राप्त आर का मान समान होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो हम इसे लिखेंगे वेक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा इंटू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस म्यू इंटू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। लैम्डा वाले टर्म को रखते हैं और दूसरे टर्म को हम पक्षांतर कर देते हैं। देखिए ये 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप है, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2i माइनस i तो मिल जाएगा i, 3j माइनस 2j दिस इज j और 4k माइनस 3k दिस इज k, तो ये हमें मिल गया। देन म्यू इक्वल म्यू इनटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हम को वेबसाइट पर लाकर के भी कैलकुलेट कर सकते थे, और यदि यहां से हमें आई जे और के उभयनिष्ठ निकालना हो तो इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू म्यू इनटू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप।
यहाँ से आई जे और के के गुणांकों को हम कलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ से मिल जाएगा -1, ये इंटू आई कैप। सिमिलरली 3 लैम्डा -1 इंटू जे कैप प्लस 4 लैम्डा -1 इंटू के कैप इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। आई जे और के की गुणांकों की हम तुलना करेंगे, आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहां सबको मिल जाएगा 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 3, 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 4 और 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 5। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5 है। अब समीकरण 4 में यदि हम 3 को घटा देंगे, समीकरण 4 ऋण समीकरण 3, तो 4 में 3 घटाएंगे, देखिए आपको यहां पर हमने म्यू नहीं लिखा है, तो ये आपको म्यू म्यू और म्यू, देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 3 लैम्डा -2 लैम्डा दैट इज लैम्डा 1 और 1 के आंसर हो जाएगा 4 म्यू -3 म्यू, तो आपको मिल जाएगा म्यू, तो लैम्डा और म्यू बराबर हो गए, ये मान हमें मिला। समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा है तो लैम्डा की जगह हम म्यू लिख देंगे, सो 2 म्यू -1 इक्वल टू 3 म्यू, सो यहां से आपको मिल जाएगा 3 म्यू -2 म्यू इज इक्वल टू -1, सो दैट इंप्लाइज म्यू इक्वल टू -1। अब म्यू इक्वल टू -1 है तो लैम्डा इक्वल टू अगेन आपको मिल जाएगा -1। इन मानों को समीकरण 5 में रख दीजिए, तो समीकरण 5 म्यू और लैम्डा के मान को समीकरण 5 को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि लैम्डा और म्यू का मान यहां पर रखिए 4 इंटू -1 दैट इज -1 और -4 -1 आपको मिल जाएगा -5। अब राइट हैंड साइड पर म्यू का मान रखिए -1 तो 5 इंटू -1 -5, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है, तो इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि म्यू और लैम्डा का मान समीकरण 5 को संतुष्ट करते हैं। एक में हम लैम्डा का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से आपको मिल जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, तो यहां सबको मिल रहा है -i कैप -j कैप -k कैप, अर्थात जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है -1 -1 -1 और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अप्रतिच्छेदी रेखाएं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और स्क्यू लाइंस, वे रेखाएं जो ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और ना ही समांतर हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी स्पष्टतः शून्य होगी। यदि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी इन रेखाओं में से प्रत्येक के लंबवत होंगी। इन रेखाओं के बीच कटे भाग की लंबाई दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि रेखा L1, L2 है और एक तीसरी रेखा L है जो कि दोनों के परस्पर लंबवत हैं। रेखा L1 को बिंदु P पर और रेखा L2 को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह PQ है, अर्थात रेखाखंड PQ की लंबाई रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी है। दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं की बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना,
टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और स्क्यू लाइंस। माना दो अप्रतिच्छेदी सरल रेखाओं के समीकरण वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस टी इंटू वेक्टर बी वन है, समीकरण एक, तथा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस एस इंटू वेक्टर बी टू, समीकरण दो, तथा उनके बीच की न्यूनतम दूरी PQ है। PQ रेखा एक व दो में से प्रत्येक के लंबवत है, फलस्वरूप यह वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की दिशा के समांतर है। हम यह मान करके चलते हैं कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू वेक्टर n, तो हमें यहां से मिल जाएगा वेक्टर n कैप इज इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब PQ इक्वल टू ए वन ए टू का पी क्यू पर प्रक्षेप, ये इक्वल टू होगा वेक्टर ए टू माइनस ए वन डॉट वेक्टर एन, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए टू माइनस ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। इस तरीके से हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या अदिश त्रिक गुणनफल वेक्टर ए टू माइनस ए वन देन वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू देन होल अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। यदि दी हुई रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी यदि उनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य हो, अर्थात यदि हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान शून्य प्राप्त हो रहा है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो समांतर रेखाओं वेक्टर आर इक्वल टू ए वन प्लस टी इंटू वेक्टर बी और r2 इक्वल टू ए टू वैक्टर ए टू प्लस एस इंटू वैक्टर बी के बीच की दूरी मॉड ऑफ वैक्टर ए टू माइनस ए वन क्रॉस वैक्टर बी वन का मॉड अपॉन मॉड ऑफ वैक्टर बी होता है। अब हम इसकी उपपत्ति देखते हैं कि माना l1 और l2 दो समांतर रेखाएं हैं जिनका सदिश समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू ए वन प्लस टी इंटू वेक्टर बी वन, समीकरण एक, और वेक्टर r इक्वल टू ए टू प्लस एस इंटू वेक्टर बी टू, समीकरण दो। स्पष्ट है कि रेखाएं l1 व l2 क्रमशः a व b बिंदुओं से होकर जाती हैं, जिनकी स्थिति सदिश वेक्टर a1 व वेक्टर a2 है तथा दोनों रेखाएं सदिश वेक्टर b के समांतर हैं। अब बिंदु b से l1 रेखा पर bm लंबड़ा ले तब BM दोनों रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। चित्रानुसार माना AB व रेखा L1 के बीच कोण थीटा है, तब वेक्टर AB व वेक्टर B के बीच का कोण पाई माइनस थीटा होगा। त्रिभुज ABM में BM अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं BM इक्वल टू AB साइन थीटा। सो यहां से हम लिख सकते हैं BM इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AB साइन थीटा, माना समीकरण एक है। अब हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर AB मॉड ऑफ B इंटू साइन पाई माइनस थीटा। जैसे कि आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखेंगे और फिर ए बी साइन थीटा का मॉड है उसके साथ में हम साइन थीटा को क्लब करके लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू बी एम इंटू वेक्टर बी का मॉड, समीकरण एक से। इस तरीके से हमें मिल जाएगा बी एम इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस बी वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, और बी एम इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। यही दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि रेखाओं वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप जे कैप इंटू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप और वेक्टर आर इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस एस इंटू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे, वहां से ए वन ए टू बी वन बी टू कैलकुलेट करेंगे
और उसके बाद हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए टू माइनस ए वन देन बी वन बी टू ये ज्ञात करते हैं। दी हुई रेखाओं के समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस टी इंटू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप और वेक्टर आर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस एस इंटू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। तो यहाँ जैसा कि आपको पता है कि माना समीकरण एक है समीकरण दो है, हम लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी। यहाँ से आपको ए वन मिल जाएगा, यहाँ से आपको बी वन मिल जाएगा, यहाँ से आपको ए टू मिल जाएगा, यहाँ से आपको बी टू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर ए वन इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, फिर वेक्टर बी वन आपको मिल जाएगा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, वेक्टर ए टू ये आ जाएगा टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, और वेक्टर बी टू आपको मिल जाएगा थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। क्या होती है वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन कैलकुलेट करने की, तो टू माइनस वन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। इसी तरीके से b1 क्रॉस b2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो पहले करना ही होता है कि i j k इस तरीके से लिखते हैं और फिर b1 और b2 का कोफिशियंट्स को कलेक्ट करते हैं, तो 2 3 4 आएगा 2 3 4, फिर ये 3 4 5, ये है 3 4 5। इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो मिल जाएगा i into इसका उपसरणिक 3 4 4 5, फिर माइनस जे इस रो और कॉलम को हाइड कर दिए तो 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 प्लस के रो और कॉलम को हाइड कीजिए तो मिलेगा 2 3 3 4, 2 3 3 4। अब इसको सॉल्व करने का मेथड होता है 3 × 5 और माइनस 4 × 4, तो 3 × 5 = 15 ऋण 4 × 4 = 16 ऋण जे कैप 5 × 2 = 10 ऋण 4 × 3 = 12 धन के कैप 4 × 2 = 8 ऋण 9। तो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस आई कैप और यहां से मिल जाएगा माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू जे कैप और यहां से माइनस के कैप, तो ये आपको मिला है बी वन क्रॉस बी टू। तो यदि हम मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू का मॉड निकाल लें तो देखिए इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से आपको मिल जाएगा रूट 6। अब हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है ए टू माइनस ए वन बी वन और बी टू का, तो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए का मतलब है वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बी वन क्रॉस बी टू। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, बी वन क्रॉस बी टू जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट करने के बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है यहाँ पर। और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं क्योंकि, या डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो ये ए टू माइनस ए वन ये है आई प्लस टू जे प्लस टू के, और बी वन क्रॉस बी टू ये आपको मिला माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप, ये सब कैप में है, और माइनस के कैप। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × -1 - 1, 2 × 2 दिस इज 4, 2 × -2 दिस इज -2, तो आपको यहां से मिल जाएगा 1।
अब न्यूनतम दूरी के लिए जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे, न्यूनतम दूरी बराबर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू होल अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें मिला है वन और बी वन क्रॉस बी टू मिला है रूट सिक्स। तो ये जो वन बाई रूट सिक्स है ये इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, वेक्टर आर इक्वल टू लैम्डा माइनस वन इंटू आई कैप प्लस लैम्डा प्लस वन इंटू जे कैप माइनस लैम्डा प्लस वन इंटू के कैप और वेक्टर आर इक्वल टू वन माइनस म्यू इंटू आई कैप प्लस टू म्यू माइनस वन इंटू जे कैप प्लस म्यू प्लस टू इंटू के कैप। तो पहले हम रेखाओं के समीकरण लिखेंगे। रेखाओं के समीकरण तो ये वेक्टर आर इक्वल टू दिया है लैम्डा माइनस वन इंटू आई कैप प्लस लैम्डा प्लस वन इंटू जे कैप माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू के कैप। तो यहां से हम लैम्डा वाले टर्म कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट करेंगे और आई जे के वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट करेंगे। देखिए माइनस वन इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस आई कैप, इसी तरीके से प्लस जे कैप और ये माइनस के कैप, तो ये आई जे के हो गया। अब लैम्डा के साथ में जितने कोफिशियंट्स है लैम्डा के साथ आई जे के वाला जो टर्म है उसे कलेक्ट करते हैं, तो लैम्डा इंटू आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आई कैप था, फिर यहाँ पर जे कैप एडिशन के फॉर्म में है और माइनस के कैप ये इस फॉर्म पर है। तो माइनस आई प्लस जे माइनस के और प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर हमें दिया गया है वेक्टर आर, अब ये मान के चलते हैं कि आर वन है और ये आर टू है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। तो दूसरा समीकरण दिया है वन माइनस म्यू आई कैप प्लस टू म्यू माइनस वन जे कैप प्लस म्यू प्लस टू इंटू के कैप। यहां पर भी यही काम करेंगे, म्यू वाले कोफिशियंट्स को अलग से कलेक्ट करेंगे और आई जे के को अलग से कलेक्ट करेंगे, तो ये आई इंटू वन करेंगे तब आपको मिल जाएगा आई और ये वन माइनस वन इंटू जे करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस जे और ये टू इंटू के करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू के। तो ये कोफिशियंट ये वेक्टर आपको मिल गया। फिर म्यू के साथ जो टर्म्स हैं जैसे कि ये माइनस म्यू इंटू आई करेंगे तो ये माइनस आई यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से टू म्यू और जे है तो आपको प्लस टू जे मिलेगा और यहाँ से म्यू और ये के है तो आपको मिल जाएगा के कैप। तो इस तरीके से हमें दोनों वेक्टर मिल गए। यहाँ पर वेक्टर ए वन इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर ए टू इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, इसी तरीके से वेक्टर बी वन इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी टू इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। ये ए वन ये बी वन ये ए टू और ये बी टू। अब जो कि हमें आवश्यकता होती है जिन जिन क्वांटिटीज की वो हम कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन कैलकुलेट करते हैं तो आई कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप तो मिल जाएगा टू आई कैप, माइनस जे कैप तो माइनस टू जे कैप और ये टू के माइनस और माइनस प्लस के कैप तो मिल जाएगा थ्री के कैप। तो हमें मिल गया ए टू माइनस ए वन जो है ये टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। अब हमें बी वन क्रॉस बी टू कैलकुलेट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है तो ये आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे बी वन और बी टू। तो बी वन 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 माइनस वन तो वन वन माइनस वन और ये माइनस वन टू वन, इसको सॉल्व करते हैं सो आई इंटू दिस वन माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, फिर माइनस जे दिस इंटू दिस दिस इज वन माइनस माइनस वन माइनस वन प्लस वन तो प्लस और ये माइनस
फिर प्लस के, 2 इंटू वन दिस इज 2 माइनस माइनस साइन फार्मूले का, फिर माइनस 1 इंटू वन दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, सो यहां से आपको मिल रहा है 3i प्लस 3k कैप, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये आपको मिला है बी वन क्रॉस बी टू। तो अब यदि हम मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू कैलकुलेट कर लें तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से आप 9 रूट 18, तो आप लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब जो न्यूनतम दूरी है इसका सूत्र है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। सो ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा होता है, सो ए डॉट इट मीन्स ए टू माइनस ए वन, ये आपका ए डॉट ए है, डॉट बी क्रॉस सी, तो ये बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू का मॉड। सो ए टू माइनस ए वन दिस इज टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और बी वन क्रॉस बी टू ये है थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप अपॉन रूट 18। देखिए आई और आई वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 6, जे वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे जीरो वाला है और यहाँ पे माइनस टू, तो जीरो मिल जाएगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 9 रूट 18, तो ये आपको मिल रहा है 15 अपॉन रूट 18, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 15 अपॉन 3 रूट 2, तो मिल जाएगा 5 रूट 2, और इसमें अगर हम रूट टू का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा 5/2 रूट 2। ये इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था।